जमा हो गई है, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब फाइनली जलेबी दुकान, जस्ट वो वाले मोड़ से हम लोग टर्न लेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और जलेबी दुकान हम लोगों के सामने। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी फ़िलहाल मैं घर से निकला हूँ एंड अभी जा रहा हूँ एक फ्रेंड के घर, फ्रेंड के रवि के घर जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग शायद पुराना बाज़ार की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसे भी थोड़ा शॉपिंग करना है और मुझे भी थोड़ा शॉपिंग करना है, कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, इसलिए तो जस्ट अभी रवि के पास जा ही रहा हूँ। रास्ते में धूप भी बहुत, इतना ज़्यादा धूप है ना, ये क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, देखो रवि भी आ गया है, अब हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे इसके दादाजी को खाना पहुँचाने के लिए एंड देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे अपना शॉपिंग करने के लिए एंड फिर उसके बाद से देखते हैं फिर और कहाँ जाना, और शायद एक फ्रेंड के और शॉप भी जाना होगा हम लोग को, फिर वहाँ आप लोग से मिलता हूँ मैं। आप लोग रास्ता एंजॉय करो, आराम से चलना भाई। हेलमेट क्यों नहीं लगाया भाई, ये सब चीज़ गलत है ना। आप कहीं नॉर्मल जगह पे भी जा रहे हो तो आपको हेलमेट लगा के एटलीस्ट जाना चाहिए ना। ये तो सही है, तो फिर सॉरी फॉर व्हाट, सॉरी ब्रो, ऐसा गलती दोबारा नहीं करना। और आप लोगों से भी यही निवेदन है कि ऐसा गलती आप लोग भी मत कीजिए, हमेशा हेलमेट लगा करके ही निकलिए, वो चीज़ बेस्ट रहेगा। तो हम लोग गाइस पुल पे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पुल का नज़ारा कैसा है, अपना बरमसिया पुल जैसा आप लोग देख सकते हैं यहीं पे है। यहाँ पे ट्रेन लगती है और FCI गोदाम का वो सारा अनाज वगैरह जो भी है वो सब आता है यहाँ पे और यहीं पे सारा अनलोड होता है। आप लोगों को मैं आगे और भी दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंडियन ऑयल का रिफाइनरी, क्योंकि वहीं पे सारा, वहाँ से ट्रक वगैरह जितना भी है ना इंडियन ऑयल का, सारा वहीं से सारा फिलअप होकर के सारा जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो आप आगे देख सकते हो टैंक ट्रक लगा हुआ है और आगे आपको रिफाइनरी भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये भारत पेट्रोलियम का है, इंडियन ऑयल का शायद पीछे रह गया है, नहीं ये भारत पेट्रोलियम का है। देख लीजिए सारा भारत पेट्रोलियम का है, यही सारा रिफाइनरी होता है और फिर यहाँ से निकलता है। वो देखिए रिफाइनरी इसका, आपको दिखा, चल 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 चल, तो बहुत सारा लगेगा, वो देखो आपको दिखा होगा। एंड ये देखिए रेलवे क्या है, ये कैरेज हाउस है, सारा मतलब रेलवे का कबाड़ी यहीं आता है। अच्छा, रेलवे का कबाड़ी यहीं पे आता है, जितना भी कबाड़ हो जाता है जैसे जंग खा गया कुछ भी, हाँ। तो वो सब सारा यहीं पे आता है ना। जस्ट न्यू बना है कुछ साल हो गया होगा लगभग, सुनो ये रोड अभी साल भर हो गया है इस रोड को बने हुए, अभी और इधर अभी कंस्ट्रक्शन साइट चल ही रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सब्जी मंडी है, देखिए ये जस्ट न्यू बना है, काफी अच्छा है, रोड भी साफ सफाई यहाँ पे देखा गया है, उस साइड तो नहीं था बट इस साइड काफी ज्यादा अच्छा है, देख सकते हो बहुत सही रोड बना हुआ है। अच्छा, एक
बात बता रहा अभी यहाँ पे, जैसे हम लोग अभी ब्लॉग शूट कर रहे हैं अपना, यहाँ पे लोग हम लोग को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं कि जैसे हम लोग कोई गुनाह कर रहे हो? मतलब नजरिया क्या, मतलब कुछ भी अगर अच्छा चीज किया जाए तो इस तरीके से कोई किसी को घूरेगा क्या? लोग का काम है। देखिए आप लोगों ने देखा ना, आप लोग ही देखिए ये चीज। फिलहाल यहाँ पे बाइक लगा करके तो हम लोग निकलते हैं शॉप की साइड में। और कितना दूर है भाई? थोड़ा सा और आगे है। चलो सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी वहां से निकल चुके क्योंकि हम लोगों को एक भी जींस ना तो पसंद आया, ना तो कुछ अच्छा लगा, ना तो वैसा कुछ क्वालिटी था और ना ही कुछ था, समझे? तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया और हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग को मतलब क्या बोले, यहाँ का दुकानदार सब जो है ना अजीब ही बोलता है, अजब ही बोलता है। अगर उनके यहाँ से ले लो तो बहुत अच्छा, और अगर ना लो तो आप बहुत ख़राब हो। अब मेरे को पसंद आएगा तभी ना इंसान कुछ लेगा, और पसंद ही नहीं आएगा तो फिर कैसे लेगा वो चीज़, आप बताओ। चलो ठीक है, अभी एक और शॉप हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है। तो फ्रेंड्स, धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था इसलिए हम लोगों ने आमरस पीने का फैसला किया। अब पैसा पता नहीं कौन देगा हम लोग दोनों में से। तो ये देखिए, यही लड़का है, फर्स्ट सिप यही लिया, पहला यही पैसा देगा, हम तो नहीं देने वाले। फ्रेंड्स, हम लोग अभी बैंक मोड़ पहुँच चुके हैं। ये बैंक मोड़ है, अब फिर से हम लोग गली गली होते हुए पुराना बाजार घुसेंगे क्योंकि हम लोग को चेंज लेना ज़रूरी है आज, क्योंकि बेचारा ये जो रवि है ना, इसका 3 तारीख को बर्थडे है। अब बर्थडे के लिए न्यू कपड़ा तो चाहिए ही, तो इसलिए आज धूप में ही मुझे पूरा घुमाया जा रहा है, क्योंकि आज मेरा शॉप भी बंद था क्योंकि आज थर्सडे है, थर्सडे ऐसे भी मेरा शॉप क्लोज रहता है। इसलिए अब बोला कि नहीं भाई चल चल, मैंने भी बोला चलो ठीक है चलते हैं, और देखो धूप में ही घुमाया जा रहा। मैंने इसे बोला कि शाम में निकलते हैं भाई, धूप थोड़ा कम हो जाएगा, तो बोलता है कि नहीं शाम में नहीं, मेरे को अभी ही जाना है। मैंने ये बोला चलो ठीक है फिर चलते हैं, लड़का का बर्थडे है, बर्थडे बॉय यू नो, जस्ट 2 दिन के बाद ही है। सो हम लोग शॉप पे पहुंच चुके हैं और आप ये देख सकते हो रवि को, ये 2 जींस देखिए भाई, ये 2 जींस, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों पसंद आया है। ये भैया का शॉप है, आपको अगर कुछ भी जींस वगैरह चाहिए होगा या टी शर्ट वगैरह चाहिए होगा तो भैया का शॉप पे आ जाना। मैं इनका शॉप का एड्रेस पिन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप आ सकते हो यहाँ पे, परचेस कर सकते हो, भैया का रेट भी सही है, ठीक है। सो फाइनली हम लोग ने जींस परचेस कर लिया है, अब वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं भाई? कोट मोड़ जा रहे हैं। अच्छा कोट मोड़ जा रहे हैं, जलेबी खाने के लिए। अच्छा चलो, अब हम लोग आप लोगों को जलेबी के शॉप पे मिलते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये पुराना बाजार है, यहाँ 200-250 में 300 में आपको जींस मिल जाएगा, अच्छा अच्छा शर्ट ले सकते हो, और लेडीज़ वेयर वगैरह आप लोग को अगर चाहिए होगा तो ये सब भी यहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, देखिए। और अभी तो दोपहर है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट यहाँ पे बाप बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बहुत ज़्यादा ही। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे फुटपाथ पे भी लोग बेच रहे हैं और जस्ट सेम चीज़ ये लोग शॉप पे भी बेच रहे हैं, बट शॉप वाले लोगों का कुछ प्राइस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो फुटपाथ पे लगा करके बेच रहे हैं उन लोगों का प्राइस जो होता है वो कम होता है। सो बट क्वालिटी वही रहता है, दोनों का क्वालिटी सेम रहेगा। अगर आप लोगों को परचेज़ करना हो तो आप लोग साइड मतलब फुटपाथ से ले सकते हो आप लोगों की इच्छा, और अगर चाहो तो शॉप से भी ले सकते हो आप लोगों की इच्छा। देखिए ये आप लोगों को यहाँ पे लहंगा वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा, अच्छा अच्छा खूबसूरत खूबसूरत। गधा
अभी हमको बता रहा है कि हम लोग को बिजली बिल जमा करने जाना है। फिलहाल हम लोग बिजली ऑफिस तो पहुँच ही गए हैं ATP मशीन के पास, और वहाँ पे बिजली बिल जमा करते हैं एंड देन फिर निकलते हैं जलेबी खाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।